हेलो भाई, मैं पवार। ये हुंडई क्रेटा भाई नई वाली 2024 फेसलिफ्ट डीजल के अंदर है, 2617 किलोमीटर। मैं खुद अपने इन्हीं हाथों से और इन्हीं पैरों से, देखो ये वाले दो पैर, इन्हीं से मैंने ये भाई 2600 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। तो आज मैं इसको पहले बात तो रिटर्न करने जा रहा हूँ भाई, जिसकी भी ये है, यानी कि जो निक्कू कार डेकोर वाले भाई हैं उनकी, वो रियल ओनर है इस गाड़ी के। उन्होंने इस गाड़ी के लिए 14,65,000 रुपये खर्च किए थे, मतलब जो लीगल है, लीगली है। और उन्होंने फर्स्ट डे ही गाड़ी ली थी, क्योंकि भैया उनका भी काम ऐसा है कि उनको फर्स्ट टाइम मतलब गाड़ी बनानी है जल्दी जल्दी, तो कस्टमर कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो, किसी और दुकानदार पे ना जाए, क्योंकि वो भाई हमेशा से हुंडई क्रेटा और सेल्टोस के किंग रहे हैं, जैसा वो खुद भी कहते हैं। चलो ये जिन भाई को समझ नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ा सा प्रकाश डाल ही देता हूँ। करोल बाग में क्या कॉम्पिटिशन चलता है भाई, अगर एक दुकानदार ने एक गाड़ी पकड़ ली, मान लो किसी ने स्विफ्ट पकड़ रखी है, तो वो यूट्यूबरों से स्विफ्ट की वीडियो बनवाएगा और लोग बाग स्विफ्ट मॉडिफिकेशंस करोल बाग लिखेंगे, तो ज़्यादातर वही वीडियो आएगी। और आजकल भाई सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई सोशल मीडिया पे देख के फिर स्विफ्ट वाला उसी दुकान पे जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप सेल्टोस या फिर क्रेटा की वीडियो देखोगे तो सबसे ज़्यादा निक्कू भाई ही गाड़ी बनाते करोल बाग के अंदर। तो अब नई वाली आई तो भैया फिर उनका सबसे पहले गाड़ी लेना था, क्योंकि कस्टमर मान लो बाद में लेके आते उनके पास, फिर वो बनाते ना, वो पूरा काम करवाते। तो फिर क्या हुआ, निक्कू भाई को खुद लेनी पड़ी कि सबसे पहले मैं लूँगा, सबसे पहले मैं बनाऊँगा। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले लेने के लिए 1,00,000 रुपये खर्च कर दिए, समझ रहे हो। ऊपर से वो बताया नहीं हमने उस टाइम पे, क्योंकि वो डीलरशिप वगैरह की भी कई चीज़ें होती है ना, तो अब मैं डीलरशिप का नाम तो नहीं लूँगा। तो इस तरीके से उनको बहुत महंगी पड़ गई गाड़ी। तो भाई जब भी बेचारे ने वो मॉडिफाई करी नहीं गाड़ी, क्योंकि भैया उनके पास एक और गाड़ी चली गई थी, तो जो उनका पर्पस सॉल्व होना था, जो मतलब मॉडिफिकेशन उनको दिखानी थी यूट्यूब के ऊपर, वो भाई उस गाड़ी के थ्रू हो गई। तो बात एक ही है, तो पहले उन्होंने बताया नहीं था कि हम भी लेंगे ऐसे करके, तो निक्कू भाई ने फिर ये ले ली, इसलिए उनका इन्वेस्टमेंट हो गया, वरना उनके पास तो एक क्रेटा पहले ही है। पर चलो कोई नहीं भैया, फिर ये मैं ही चलाता गया इसको, मैं ही ओढ़ता रहा। फिर उनको उन्होंने कहा कि अरे आप चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, अब मैं क्या ही करूँगा। पर मैं कह रहा भैया मोह ऐसी बात है, मोह मेरी सेल्टोस चाहिए और बहुत दिन मैंने चला लिया, और कब तक मैं इस डिब्बे के साथ चलाऊंगा, और वो फ्रेम वगैरह पूछूंगा, चलो चल के फ्रेम वेम आया इसका नहीं आया, वो सब चीज़ बाद की बात है। पर मैं आज आपके साथ इस गाड़ी का ना थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ यार। 2,500 किलोमीटर चलाना कोई आम बात तो है नहीं, कैसी चलती है कैसी नहीं चलती, अगर आप प्लान कर रहे हो तो क्या आपको इस प्राइस पॉइंट में वैल्यू फॉर मनी ये लगेगी नहीं लगेगी। सबसे पहली बात भाई, एक चीज़ आप गौर करना, जो हुंडई की और ये किया की गाड़ी होती है ना, मतलब एक ही चीज़ है, इनकी जो मैनुअल में क्लच होती है ये ओवर द टाइम भाई एकदम टाइट होने लग जाती है। अब जैसे ये तो नई नई गाड़ी है, बिल्कुल ब्रांड न्यू, पन्नी फाड़ देखो सीट पे भी, आज भी पन्नी चढ़ी हो रहा है। तो यार इसकी जो क्लच है ना वो बहुत लाइट है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो हमारी सेल्टोस है ना उसको 65,000 से 70,000 किलोमीटर वो चल चुकी है, उसकी क्लच आज की तारीख में इतनी हार्ड हो गई है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी मान लो जितनी ये सॉफ्ट है ना, इससे मतलब वो ट्रिपल टाइट हो गई है भाई, इसकी ट्रिपल फोर्थ भी कह सकते हो मैं उसकी, उसमें अब कसम से वो लगती है थोड़ी सी आलस आता है उसकी क्लच को दबाने में। ये एक रीज़न है कि मैं इतने टाइम तक इसको कंटिन्यू करते रहा, क्योंकि भाई इस गाड़ी को चलाने में जो मज़ा आता है ना, मैं वाकई में बता रहा हूँ भाई। ये पता नहीं लोग इसको वो क्यों बोलते हैं कि भाई अब खट्टी चीज़ है, कोरियन है, बेकार है, बकवास है। डीजल के अंदर मुझे लगता है भाई जो लोग स्कोडा कुशैक और इनकी वर्टस और जो टाइगुन वगैरह की तारीफ करते हैं ना इसके कंपटीशन में, उनको जर्मन कह के, भाई आप ये सोचो वो चला रहे हैं पेट्रोल इंजन टर्बो ठोक ठोक के 150 BHP बना के। ये गाड़ी डीजल के अंदर उनके तो बस की है नहीं डीजल वीजल बनाना, ये गाड़ी डीजल में जो मज़ा देती है ना भाई, जो मतलब पंजे दबाते ही फुर जाती है। और माइलेज जो मैं उन भाइयों से पूछना चाहूँगा जो मतलब वो भी अपने पॉइंट पर ठीक है भैया, उनको सेफ्टी कदर है जो भी है, इस माइलेज के साथ कौन सी गाड़ी आ जाएगी। मेरे पंजे पहले बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा खींच के चलाता हूँ गाड़ी को, तभी डीजल लवर भी हूँ भाई मैं, कि मेरे को चाहिए एकदम पंच, एकदम पिकअप, वो लेजी भेजी गाड़ी मेरे पे ना चलती, जैसे सोनेट वोनेट में कभी कभार निकाल लेता हूँ ना घर से, अब वेरी डिसलाइक लगती है मेरे को वो अपने हैंड से। तो इतनी माइलेज के साथ भैया वो गाड़ियाँ, चलो ठीक है जर्मन फर्मन अब तो खैर उनमें फील नहीं रही जर्मन वाली, वो तो नकली चीज़ें हो गई हैं इंडिया 2.0 में, मैं उनकी कह रहा हूँ ये फॉक्सवैगन स्कोडा वालों की। पर भैया इस गाड़ी में कमी क्या है मुझे ये बताओ, मतलब ये इतनी सॉफ्ट चलने में, इतनी इजी टू ड्राइव, इसका स्टेयरिंग रिस्पॉन्स ऐसे कटवट लोग कहते कट मारने में, ये वो ड्राइविंग डायनेमिक्स, अरे भैया इतना मज़ा देती है ना मैं क्या बताऊँ। देखो प्ले के नाम पे कुछ नहीं है गाड़ी के अंदर, स्टेयरिंग के उस हिसाब से देखो, और ब्रेक इतनी लाजवाब, ब्रेक मारती गाड़ी वहीं खड़ी हो जाती है। हाँ थोड़ा सा अगर कंकड़ी मंगड़ी रोड पर पड़ी हो, क्रेशर पड़ा हो, मतलब रोड अच्छा ना हो, तो थोड़ा ABS में दिक्कत है भैया, इसके में थोड़ी घिसर जाती है गाड़ी, ये सेल्टोस और इसमें दोनों में ही दिक्कत है।
बट ऐसे रोड पे अगर आप ब्रेक मारोगे तो भाई मुझे तो फिर कोई कंप्लेंट लगती नहीं है। अब ये मेरे को कोई हुंडई ने पैसे तो दिए नहीं है तारीफ करने के, बट हाँ अगर ये पेट्रोल में हो तो मेरे ये शब्द भाई बदल जाएंगे एकदम, बकवास है ये। अगर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, टर्बो तो भैया हाई फाई है, टर्बो मैं तो कहता हूँ जो स्कोडा वाले भाई और वो कहते टाइप वो इसके टर्बो के सामने आ जाओ फिर बात करेंगे। 6 एयरबैग बेस मॉडल से दे रहे हैं और 2-2 एयरबैग पे जिंदगी काट रहे हैं अपनी बेस मॉडल से, यहाँ पे TPMS से लेके सारी चीज इसके अंदर आ रखी है। मतलब मैं तो बता रहा हूँ भाई, मैं तो फैन सा हो गया हूँ इस गाड़ी का। न्यू मॉडल इंटीरियर वगैरह हर चीज में ओके है, एक सिंगल प्रॉब्लम मुझे अभी तक इस गाड़ी ने नहीं दिया। नई गाड़ी है अभी तक भी भाई ऐसे चला रहा हूँ, मैंने टायर प्रेशर तक इसका कम नहीं करा। जैसे गाड़ी नई नहीं आती स्टॉक वहां से कंपनी से तो प्रेशर हाई करके देती है ना, मैंने आज तक भी इसका प्रेशर कम नहीं करा है, ऐसे ही चला रहा हूँ गाड़ी को जैसी ये मिली थी। ना इस पे आगे नंबर प्लेट है, ये चिपका रखी थी जो नकली सी ये चीज होती है, ये डीलरशिप वालों ने ये भी इसमें उछल के फेंक गई है। तो अब मुझे थोड़ा वो भी डर लगने लग गया है कि भैया कोई पुलिस वाला इसको रोक लेगा, इसलिए दे देता हूँ। साथ में इसमें कोई पेपर भी नहीं है, जैसे वो पेपर वगैरह होते बस इसमें इन्वॉल्व के परफ्यूम ही पड़े रहते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ ड्राइविंग की बात कर रहे थे हम। भाई अब खुद सोचो, कोई भी बंदा होता है इस दुनिया में, कोई सी भी गाड़ी ले ले, सबसे पहले भैया स्पीकर और स्टीरियो वगैरह तो लगवाता ही है। भाई मेरे को इसकी ड्राइविंग में इतना मजा आ रहा है कि मेरे को उस चीज से मतलब ही नहीं रहा, मैं इससे काम चला रहा था। मतलब आप खुद सोचो ना, जो शौक है बंदा होता है, मेरे को गानों का भी बहुत शौक है भाई, म्यूजिक वगैरह का भी। इंस्टा पे आ जाना, मेरे म्यूजिक प्लेलिस्ट सुननी हो तो, सब लोग तारीफ ही करते, फैन है। तो भाई इसमें स्टीरियो स्पीकर तक नहीं डलवाए मैंने, क्योंकि मेरे को प्योर वो ड्राइविंग वाली फील चाहिए। गाने गुने सेकेंडरी है, लेकिन जब मैं पंजे दबाऊँ ना तो मेरी गाड़ी ठोक के उठनी चाहिए, और जो ह्यूंडई टूसन वगैरह इनको छोड़ देनी चाहिए। यार इस गाड़ी को लेते हैं लोग बाग, क्यों ली भाई आपने ये? देखो देखने में अच्छी लगती है, पर कुछ ऐसे हटके नहीं लगती कि भाई 40-45 लाख रुपए लोग इसके लिए स्पेंड करें। यहीं पे इसकी जगह फॉर्च्यूनर वगैरह होती ना, एकदम अलग से इसकी लुक पता चल जाती, बट इसमें कुछ ऐसी खास बात लगती नहीं है, इसीलिए इसकी जो सेल्स हैं वो इतनी कम है। और भाई माइलेज से लेके हर तरीके से गियर शिफ्टिंग हो गई, मतलब कहाँ मार खा रही है गाड़ी मुझे तो पता नहीं भाई, तभी इतनी मेरे ख्याल से नंबर वन सेलिंग SUV अपने सेगमेंट में ये, क्योंकि डीजल में जो इसकी फील है वो भाई किसी पे होड़ हो ही नहीं सकती, ये गारंटी की बात है। मुझे तो इतना फन आता है ना, मतलब रेस फेस तो चलो मैंने छोड़ दिए सब काले धंधे, नहीं तो मैं रेस फेस भी लगवा के आपको दिखा देता क्या भागते, तब आपको समझ आता कि कोई चीज़ बना रखी है डीजल में गाड़ी ने, मतलब ह्यूंडई ने। और BS6 फेज 2 में तो जो इसकी स्मूथनेस कर दी है, तो जो लोग कहते हैं ना डीजल हमें इसलिए नहीं पसंद कि भाई थोड़ा सा बेकार है, रिफाइनमेंट नहीं है, इस डीजल को बैठ गए ना इसमें टाटा के इंजन शर्म के मारे डूब जाएंगे पानी में, इस वाले में जो फुहारा चल रहा है, इतने गंदे इंजन है टाटा के पेट्रोल में। पर एक बात है जिससे मैं बस डिसअपॉइंट हुआ वो भाई, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ना जैसे नई गाड़ी आई है, नई क्रेटा कितनी तगड़ी गाड़ी, मतलब ब्रांड है अपने आप में, कि लोग भाई बड़े अच्छे रिएक्शन मिला करेंगे, हवा बन जाएगी भाई नई क्रेटा। इतना इसको ना अब तो चलो 2-2.5-3 महीने हो गए लॉन्च भी हुए, हाँ मार्च आ गया, तो पर वो वाले कोई वाह हो जाए ऐसे नहीं करता। आए उसका एक रीज़न मुझे जो लगता है ना, एक तो साइड से ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, और आगे से भी इतना डिफ्रेंशिएटिंग नहीं लग पाता है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि नई क्रेटा है। पीछे से जब भी थोड़ा सा रिएक्शन मिल जाता है, पर इतना कुछ खास लोग इसको वो देख के ऐसे हाय वाओ व्हाट अ न्यू कार ऐसे कुछ भी नहीं करते हैं, ऐसे कुछ भी वो वाली बात नहीं है मज़ेदार वाली उस चीज़ को लेके, लुक वाली को लेके। वो लोगों को भाई बस ऐसे सब हजम कर जाते हैं, लुक कैसी भी हो बस अगर प्रोडक्ट रिलायबल है ना, इंजन में दम है, दिख रहा है लोगों को, तो लोग अपने आप किस कोई कितनी बदसूरत चीज़ बना दो लोग पसंद करने लग जाते हैं। बस उनको माइलेज अच्छी चाहिए, थोड़ा भगाने में पिकअप विकअप अच्छा चाहिए, डेट सेट, और प्रैक्टिकल फीचर चाहिए। लोग डिज़ाइन विज़ाइन को मेरे ख्याल से सेकेंडरी रखते हैं जितना मैंने ऑब्जर्व किया भैया। और इसकी ये चीज़ तो भाई मतलब यूजलेस ही है हमारे लिए, तो मैंने तो इसमें कुछ चिपकाया विपकाया है नहीं, नथिंग। और तो भाई गाड़ी की वो सब चीज़ मैं बताऊँ, ये भी सब प्रैक्टिकल है, यहाँ पे फ़ोन वोन आराम से रख जाता है। इसके में एक दिक्कत है पर, हाँ बस इसका ये वाला नहीं मतलब सही नहीं है यार, या तो सर्विस सेंटर में जाएगा ना, जैसे अब सर्विस भी इसकी 1500 किलोमीटर से डी हो गई, 1000 रुपये रिकमेंड करते कंपनी, तो ये क्या है ना चार्जिंग छोड़ता है, बार बार चार्ज छोड़ देता है, इसलिए आप देखोगे मैंने ये केबल भी यहाँ पे लगा रखा है, जैसे 10 सेकंड चार्ज करेगा फिर हट जाएगा 5 सेकंड के लिए, फिर से चार्ज करने लग जाएगा, तो घुन 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 फ़ोन करता रहता है, इसलिए मैं यहाँ पे चार्ज ही नहीं करता हूँ। ये मेरे ख्याल से कोई फ्यूज़ का इशू होगा या ये चेंज होगा, हो जाता है 1-2 इशू तो नई गाड़ी में, बस ये एक दिक्कत है गाड़ी में जो मुझे लगी, और तो कुछ भी नहीं है यार। और तो इतने टाइम से मैं बड़ी चला रहा हूँ, मतलब ऐसी अगर इसमें 4 नंबर होता ना
तो मैं इसको ले लेता निकु भाई जब उनका काम पूरा हो जाता है वीडियो फीडियो का, कसम से बता रहा हूँ। पर उन्होंने तो भैया वो डीएल नंबर लेके अपनी औकात दिखा दी। मतलब इसका नंबर इतना घटिया सा आया है भाई, DL7CW2953 ऐसा नंबर है, बताओ 2953 कोई नंबर हुआ। और भाई हमें तो जब तक HR ना हो ना अपनी गाड़ी पे फील नहीं आती कसम से, इसलिए मैंने कहा कि DL नंबर ले लिया। नहीं मैंने उनसे बोला था HR ले लेना वो हो जाता है सब जुगाड़ इंडिया में, पर भाई उन्होंने मतलब वहाँ पे पेपर वेपर लगा दिया था अपने एड्रेस प्रूफ की जब गाड़ी डिलीवरी लेके आए। और दिल्ली में ऐसा रूल है मेरे ख्याल से सेम डे नंबर आ जाता है, तो उस चक्कर में फिर उनका नंबर वो वाला आ गया। मैं क्या, आप छोड़ो अब मेरे को डीएल नंबर तो लेनी नहीं, बिल्कुल को मतलब ही नहीं है, डीएल नंबर मैं नहीं चला पाऊंगा, सॉरी HR होना चाहिए। UP16 मेरे को खुद इतना खटकता है भाई जो इंडेवर पे है, पता नहीं क्यों नंबर से इतना ऑब्सेशन है यार। HR पे कुछ भी हो बेशक से, बट DL UP फूपी नहीं, मतलब मजा नहीं आता भाई, पता नहीं क्यों। एक वो अपने से रिलेटेबल नहीं हो पाता, गाड़ी घोड़ा जिन लोगों को प्यार होगा वो समझ पाते होंगे, अपनापन नहीं हो पाता। मतलब कहने का मतलब ये है, इंडेवर से तो चलो अब है भाई रुपये खर्च करके, पर अब DL नंबर यार वो अंदर से मन ही नहीं उठ रहा है। DL नंबर गाड़ी चला रहा हूँ मैं, जिंदगी में यही काम नहीं कर रहा था बस। अच्छा DL वाले भाई को बुरा मत मानना, देखो मेरे पे भाई ये भी है UP16 भी DL भी है, ऐसा बुरा नहीं है भाई, पर अपना अपना सबका सिस्टम होता है। जैसे ये HR देखना कितना कूल लग रहा है, DL के आगे लग रहा है नहीं लग रहा देखना भाई, खुद ही फर्क पता चल जाता है लोगों को। इसके भाई पर भी बकवास है, ये भी एक बात मेरे को शेयर करनी है। देखो इसका पानी खत्म, निचोड़ दिया मैंने इसको, कर रहा हूँ ना। मतलब हुंडई वालों ने ये प्रैक्टिकल बना रखा है, स्पीकर वगैरह यहाँ पे रख लेना जब हम बेस मॉडल जो भी लेगा। ए भाई ये मेरे इस स्पीकर ने मेरा बहुत साथ दिया है। ए रे तेरे तितर। भाई निकू भाई सुनाओ कैसे हो भाई, आपने दिन मिस नहीं किया क्या अपनी गाड़ी को, इसको क्रेटा को? नहीं यार आपके पास रहे तो अच्छा, मेरे पास रहे तो काम ही इतना है कि याद नहीं आता था कि गाड़ी। भाई देखना सही कह रहे हैं इनके डोरा भाई, फुर्सत ही नहीं रहती है। I-20 भी पकड़ ली क्या? नहीं I-20 भी है, गुजरात नंबर, गुजरात नंबर। ये रही भैया अपनी चमकती हुई HR30W1143, इसमें भी कुछ करेंगे। पर भाई गाड़ी A1 है भाई, चलने में माल फुल है। पर भैया आपने DL नंबर लेके ना मेरा दिल तोड़ दिया है बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, नंबर तो फिर चेंज नहीं होता क्या? नहीं होता ना, एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया। आपने बोला भी नहीं मुझे, मुझे पता भी नहीं, सन्नी को बता था कि कौन सा DL नंबर लूं कि कौन सा। मेरे को लगा UP नंबर देगा क्योंकि UP से लिए थे तो। भाई को कुछ नॉलेज ही नहीं है यार, बस मॉडिफिकेशंस की नॉलेज है। UP16 है तो UP मिलेगा आपको, ऐसे लगा UP से लिए गाड़ी तो UP नंबर देगा? नहीं भाई ऐसे नहीं होता, जो आपका एड्रेस होता है उसके बेसिस पे होता है। पर HR होता तो मैं उड़ता है, मजा आता चलाने में, अब मजा नहीं आएगा DL नंबर में इसको, सही बताऊं तो। अब HR नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता ना, दोबारा टैक्स भरना पड़ेगा। पर आप तो भर भी दोगे, आपको क्या ही है, चलो देखते हैं उसका भी देखते हैं। 2-2.5 लाख रुपए भर दोगे? 2.5 लाख रुपए और क्या यार, मुझे लगा 2-3-15-20 हजार लग गया था, चलो समझ में भी आता है। नहीं नहीं अरे रहन दो, चलो ठीक है, जब भी भेज दोगे आप मेरे ख्याल से थोड़े दिन बाद इसको, अभी देखते हैं। अभी तो अभी काम भी नहीं चालू किया इसमें, क्योंकि बिहार DL नंबर लेके चलोगे वहाँ पे सेतते होंगे फिर वो। हाँ, बिल्कुल पकड़ लेते हैं। अब इसको बनाना नहीं है क्या इस गाड़ी को? इसको भाई बनाएंगे बिल्कुल। और गाड़ियों को भाई देखो, दुनिया भर की क्रेटा वरेटाओं को बनाते रहते हैं, नई वालियों को अपनी में ही काम नहीं कर रहे हैं भाई। अपनी वाली को भी सबसे टॉप बनाऊंगा, एक नंबर, जितने भी म्यूजिक से काम से लेके चाहे ओरिजिनल पार्ट से लेके किसी ने सोचा नहीं होगा क्रेटा ऐसी बनती है, ऐसे बना के दिखाऊंगा, चाहे एक एक टॉप मॉडल का फ्यूचर। जैसे आप देखो इसमें है ना, कूलिंग के लिए देता है, इसमें बेस मॉडल में नहीं आता है, ये भी चालू करके दूंगा इसमें। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक सीट लगा के दूंगा इसमें। ये वाली? हाँ बिल्कुल। वाओ यार ये तो मजा आ जाएगा फिर तो। बिल्कुल गाड़ी बनाऊंगा, टाइम लगा लेकिन बनाऊंगा। यार निकू भाई इसका मैं वो बात कह रहा था भाइयों से, पीछे का वो नहीं हो सकता क्या चेंज? पीछे से फेसलिफ्ट नहीं बन सकती क्या? कौन सी? ये पीछे से बनने के लिए तो बन जाएगा, ये कि तो किया के बाद में, क्योंकि पीछे का है ना पूरा जो अपना साइड का पक्का देख रहे हो, बैक लाइट देख रहे हो, डिक्की देख रहे हो, साइड का पूरा बंपर देख रहे हो, शीशा देख रहे हो, पीछे के पहले पूरा चेंज होगा इसका। घना ही मोटा खर्चा है। हाँ, मोटा खर्चा अभी तक ये नहीं है क्या कोई? क्रेटा का चालू कर रहा हूँ, उसके बाद सेल्टोस करूंगा। सेल्टोस फेसलिफ्ट कन्वर्ट पहले क्रेटा करूंगा, क्योंकि क्रेटा का सामान इजीली मिल जाता है, सेल्टोस का इतना इजी नहीं मिलता है। अच्छा हाँ, तब कस्टमर का डिमांड लगा तो उसका भी करूंगा। तो सेल्टोस क्या बोलते हैं क्रेटा का भी, वो जो आपने अपनी वाली वो नहीं करी अभी? अभी उसका चालू नहीं किया, सामान आ चुका लेकिन चालू नहीं किया हूँ। चालू क्यों नहीं कर रहे हो? चालू इसलिए नहीं किया हूँ कि ये जगह पे तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें गाड़ी चालू करने के लिए 5 जगह जो दुकान हम लिए हैं, एक शोरूम सा उसका काम अभी चल रहा है, वो तो उसमें कन्वर्ट करेंगे उसको। भाई एक बात और बताता हूँ निक्कू भाई, जैसे हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी रहती थी, ये चलाते इन पे आती नहीं चलानी, तो भाई कितना क्या पार्किंग कितनी दे दी आपने इसकी? 3000 का मंथली लेता है। 3000 मंथली, 2.5 महीने हो गए, 8-9 हजार रुपए
पार्किंग, हाँ पार्किंग पार्किंग का अब करोल बाग है ना, रखो गाड़ी कहाँ चलाते हो नहीं बजाने इधर यार, ये तो मोटा काम है यार, इधर गाड़ी खड़ी कर दो और मस्त पैसे कमाते हैं। 3,000 का महीना लेता है एक पार्किंग का, अगर हम एक गाड़ी लगाते तो उसका 300 रुपया लेता है। अब इसका दोगे आप, बात वही पड़ रही है। इसका तो इसका नहीं दूंगा ना, क्यों? इसको पता कि मेरी गाड़ी है, वो नहीं आपकी, वो तो मेरी थी, लेकिन उसको कितना भी समझा दो पार्किंग वाला, कहता नहीं तुम्हारी गाड़ी नहीं है, चल तू ले यार, क्या कलेस करना तू लेता। चलो भाई फाइनल गुड बाय बोल देता हूँ इसको, बाय बाय क्रेटा, तुम्हारी बहुत याद आएगी, इतने दिन बहुत अच्छा साथ दिया। और ये अपनी को लेके होते हैं फरार भैया, टाइम है को 9 बज गए। थैंक यू भाई, गाड़ी की चाबी हमारे हवाले। हेलो भाई, शी इज बैक आपके सामने, आपकी प्यारी, आपकी चाहिए थी सेल्टो एज इट इज जैसी छोड़ी थी भैया, लिटिल लिटिल सी निक्कू भैया ने ना हमारे ने लिटिल लिटिल से इसका काम कर दिया जगह जगह से, जैसे यहाँ से उछेल दी, पता ना कहाँ दे दे के मारी है, जबकि मैंने उनकी गाड़ी कहती सेफ रखी, नई की नई जैसी आई ऐसी टंच है। पर एक अल्लाह चला के जरूर देखो अपनी गाड़ी है, ये famofcars.com accessory ऑर्डर करना, अब आपका एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा हो जाएगा, अभी तो मेंटेनेंस में है भाई, इसकी ये वाली बत्ती नहीं जा रही है, कुछ भी कर लो, इसके अंदर इतना जबरदस्त काम भी हुआ है, आप जो आने वाली वीडियोस में देखोगे, ये भाई 13,000-14,000 रुपया जब लग जाएंगे ना तभी हटेगी, आपको पता वो DPF सेंसर की जो लाइट है। अरे भाई मैं तो अकेला नहीं हूँ जिसके साथ ये वाली चीज़ हो रही है DPF सेंसर की लाइट खराब, ये तो मैंने देखा बहुत लोगों की खराब हो जाती है और बहुत जल्दी खराब होती है, तो नीचे से अगर कहीं से गाड़ी अट गई, पानी में निकल गई, ये कुछ हो गया ना, तो वो सेंसर खराब हो जाता है, बहुत लोगों का हुआ है, मैं अकेला नहीं हूँ इसमें। तो भाई ये मैं तो कहूँगा किया हुंडई की जो नई गाड़ी आ रही है अभी BS6 वाली, इनमें एक्सटेंडेड वारंटी ले लोगे, डीजल ले रहे हो तो भाई बढ़िया पड़ेगा, आगे चल के अपना पछतावा नहीं रहेगा, क्योंकि ये 3 साल बाद ही खराब होती है मोस्टली। तो भाई जो मैं बात कह रहा था ना आपसे स्टार्टिंग में, जैसे मैंने अभी क्रेटा से और इसमें स्विच करा है भाई, नो डाउट जो हमारी ये ना क्लच, इट इज बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है भाई, बहुत ज़्यादा टाइट, ये देखो उसकी कंपेरिजन में, हालांकि इतनी डीप नहीं लगती है बट टाइट तो हो गई है भाई, और ओवर द टाइम जो इसका ये गियर शिफ्टिंग भी हार्ड हो जाती है। अब जिन भाइयों के पास क्रेटा जो होगी ना फर्स्ट जनरेशन वाली जो 2015 में आई थी, उसकी इससे भी ज़्यादा हार्ड होती है भाई, जिन भाइयों ने वो रखी होगी उनको पता होगा, धीरे धीरे इनकी हार्ड होने लग जाती है। पर भाई एक बात कहूँ, थोड़ी इंजन की नॉइज़ भी थोड़ी सी बदल गई इस वाली गाड़ी में, मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ ना दोनों को साइड बाय साइड चला रहा हूँ, तो उस बेसिस पर मैं आपको बता पा रहा हूँ, पर एक चीज़ नहीं बदली है भाई, ये वाली जैसे ही मैं यहाँ पंजे पे पाम धरता हूँ और जो ये टर्बो की किन होता है ना डीजल का, और जो गाड़ी भैया ये गोली की रोज छूटती है एकदम ऐसे एकदम शूं करके, कोई साइड में आई जाए तो रुके भी ना, क्योंकि ब्रेक्स तो इसकी घटिया होती हैं भाई, इनकी ब्रेक्स ही नहीं पसंद मुझे, पर भाई चलाने में जो मज़ा आता है और अपनी तो अपनी होती है, और इसमें आपके भाई ने 1,00,000 रुपये का काम करवाया है, जो आपने देखा ना एकदम दिन से रात हो गई, उसके बीच में 1,00,000-1,25,000 रुपये का काम करवाया सेल्टोस में, अब वो आपको ऐसे देखने से पता नहीं चलेगा, वो आपका भाई आपको बाद में दिखाएगा, और इतनी तगड़ी चीज़ है ना, इंडिया में पहली बार हुआ है, और ना जो टॉप मॉडल वाले हैं मैं गारंटी से बैठ के बता रहा हूँ, वो ये कहेंगे भाई कुछ तो छोड़ दो हमारी गाड़ी में भी ऐसा कि यूनिक रहे जो बदल ना सके, ऐसी चीज़ बदल दी है जिसकी आप सोच भी नहीं सकते भाई, और इतनी तगड़ी लग रही है, वो इतना तगड़ा परफॉर्म कर रही है, नेक्स्ट लेवल भाई, और बहुत मतलब 1,25,000 रुपये में बहुत चीज़ें बदली हैं इस गाड़ी के अंदर भाई, अब मैंने इतने दिन छोड़ी कुछ तो करवा के लाता ही, तो और क्योंकि बदल थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा रहता, तो भाई वो अब आपको देखने को मिलेगा आने वाली वीडियोस में। खैर अपनी किया सेल्टोस अपने पास वापसी आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।